आज हम बनाएंगे मटर मशरूम की सब्जी। आज हम मटर मशरूम की सब्जी कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाली है आज की रेसिपी। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम मशरूम लिया है। अब इसे हमें काट लेना है। इसे नॉर्मली हमें काट करके लेना है। अगर बड़ा मशरूम है तो एक में चार भाग कर दीजिए, अगर छोटे मशरूम है तो एक में दो भाग करके इसको काट के लीजिएगा और जो पीछे का इसका भाग होता है थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिएगा। अब मशरूम इस तरीके से काट लेंगे। ये जो जाली हमने निकाली है मशरूम के अंदर जो होती है, अगर आप इसे निकाल के खाना पसंद करते हैं तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। खाली आपको मशरूम को काट लेना है। अब काटने के बाद जो मशरूम के छिलके होते हैं इसे जरूर निकाल दीजिएगा। अगर आप इसके छिलके निकाल देते हैं तो मशरूम में जो कचकचाहटपन होता है वो नहीं आएगा और मशरूम बहुत जल्दी से अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पर हम सारा मशरूम का खाली छिलका उतार के लेंगे और जाली सबका हम नहीं निकालेंगे। अगर आपको निकालना हो तो केवल आपके लिए मैंने बता दिया है और बाकी जाली पूरे में का नहीं निकालेंगे हम। खाली हम छिलका उतार के इसका लेंगे जितना है। तो सारे मशरूम का छिलका हमने हटा लिया है। अब क्या करना है, मशरूम को पानी में अच्छे से धुल लेना है। इसे आप एक से दो पानी अच्छे से धुल लीजिए, क्योंकि मशरूम गंदा नहीं था ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इसे आप पानी से अच्छे से धुल लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप मशरूम की सब्जी बनाएंगे तो आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद आएगा। बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से मशरूम बनाने से, क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से आपको बताने वाले हैं। यहाँ मशरूम हमने धुल के ले लिया है। अब हमें मसाले पीस लेने हैं। यहाँ हम ग्राइंडिंग जार लेंगे, फिर उसमें हम दो मीडियम साइज के प्याज काट के डालेंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर धनिया की पत्ती ली हुई है, तो धनिया की पत्ती को काट के डालना है। तो फ्रेश धनिया की पत्ती लीजिएगा ताकि उसमें सुगंध बहुत अच्छी आए। इसी के साथ यहाँ पर हमने 2 से 3 इंच अदरक को काट के लिया है। 2 हरी मिर्च और लहसुन की कलियां ली हुई है। अदरक आप इसमें ज्यादा ही रखिएगा। फिर यहाँ पर जो भी हमारे पास गरम मसाले घर में अवेलेबल थे उसे हमने ले लिया है और साथ में तेज पत्ता को आप तोड़ के डालिएगा ताकि जल्दी से ये पीस पाए। थोड़ा सा पानी डालिए और ढक्कन लगा के इसको एकदम फाइन महीन सा पेस्ट बना के तैयार कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो यहाँ ध्यान दें, कढ़ाई अगर पीतल की हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मशरूम की सब्जी का स्वाद पीतल की कढ़ाई में बहुत निखर के आता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी कढ़ाई चढ़ा लीजिए। तेल डालने के बाद, तेल जब गर्म हो जाए, और ध्यान दें कि तेल थोड़ा ज्यादा ही डाले कढ़ाई में, और जब गर्म हो जाए तो मशरूम उसमें डालेंगे और मशरूम को अच्छे से हमें सेलो फ्राई करना है। तो जब तक मशरूम ब्राउन कलर में ना आ जाए तब तक इसे हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मशरूम की सब्जी सेहत के लिए भी काफी अच्छी होती है, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं अगर इस सब्जी को बना के खाएंगे तो उनके लिए हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। और सर्दी के मौसम में मशरूम अच्छे रेट में मिल भी जाता है और काफी अच्छे अच्छे भी आते हैं मशरूम। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लाल हो गया है। तो यहाँ पर अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मशरूम निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें जीरा डालना है 1/2 चम्मच, और उसी के साथ यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में हमने प्याज और अदरक को काट के लिया है उसे डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक हमें
भून लेना है। जब ये ब्राउन हो जाए कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको दिख रहा है, तब आपको क्या करना है, इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ही एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिला देना है। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर पहले डालने से क्या होता है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि दोनों ही चीजें पक जाती हैं तेल में डालने से। और साथ में ही टमाटर डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। फिर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और नमक डालने के बाद इसको चलाते हुए टमाटर को अच्छे से पका लेंगे जब तक टमाटर में से तेल दोबारा से रिलीफ ना हो जाए। तेल जब तक टमाटर में से छोड़ ना दे तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है और टमाटर को मैश करते हुए पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि तेल आराम से छोड़ चुका है टमाटर से और टमाटर भी काफी मैश हो चुके हैं। तब आपको प्याज जो हमने पीस के रखी थी, प्याज धनिया वाला पेस्ट, उसे हम डालेंगे और उसे डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। सो फ्रेंड्स, इसको तब तक भूनिए जब तक इसमें से अच्छे से तेल रिलीफ ना हो जाए। इसमें क्या होता है, जब भी आप मशरूम की सब्जी बनाएं तो उसमें भुनाई बहुत मांगता है। अगर आप भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए भूनिएगा जरूर। अब आप देख पा रहे हैं कि तेल रिलीफ हो चुका है, तो क्या करना है, थोड़ा सा डालना है पानी, ज्यादा से ज्यादा आधी कटोरी से भी कम हमने यहाँ पर पानी डाला है ताकि मसाला अब लगे ना एक्स्ट्रा नीचे, क्योंकि तेल इसमें से रिलीफ हो चुका है तो मसाले लगने का डर होता है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चुटकी हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में ही 2 चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। आप कोई भी सब्जी मसाला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या तो मशरूम मसाला भी लाके यूज कर सकते हैं। तो बस सब्जी मसाला डालेंगे और कश्मीरी मिर्च डालने के बाद इसको फिर से एक बार अच्छी तरीके से 30 से 40 सेकंड तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा अब नहीं भूनना है, खाली 30 से 40 सेकंड आपको इसको भून लेना है। फिर इसमें आजकल मीठी मटर आ रही है, हरी मटर छिलके वाली, जब भी हरी मटर आए तो मशरूम की सब्जी बनाए तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने हरी मटर ली है, साथ में ही मशरूम जो फ्राई करके लिया था उसे लिया है और थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऊपर से डाल देंगे। धनिया की पत्ती जब साथ में पकेगी ना मशरूम के, तो बहुत ही ज्यादा मशरूम में टेस्ट आ जाता है, क्योंकि धनिया का जो अरक होता है उतर जाता है पूरे सब्जी में। तो अब क्या करना है, चला के पानी डाल देना है। तो पानी आपको जितना गाढ़ा जितना पतला खाना हो उस हिसाब से डालिएगा, सब्जी का सालन जैसा आपको खाना हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी पतला रखूंगी पानी और इसको पका कर मैं गाढ़ा करूंगी सालन को, क्योंकि आप पहले से ही अगर गाढ़ा करेंगे तो पकने पे और गाढ़ा हो जाएगा। तो मटर कच्ची है तो पकने में भी थोड़ा सा पानी लग जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको पानी डालने के बाद इसे ढक देना है। ढकने के बाद मैंने 15 मिनट बाद कढ़ाई को ओपन किया है और मीडियम से लो फ्लेम पे, मतलब मीडियम और लो के बीच में हमने आंच को रखा था और तब से लेके अब तक मैंने इसको कढ़ाई को बिल्कुल नहीं खोला है। अब मैं कढ़ाई खोल रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है और पूरी तरीके से परफेक्ट बन चुकी है। तो क्या करना है, गैस ऑफ कर देना है और ऊपर से धनिया पत्ती और डाल देना है। ऊपर से धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा लुक देखने में काफी अच्छा आ जाता है और स्वाद तो आता ही है धनिया पत्ती से। तो गैस ऑफ करने के बाद मशरूम की सब्जी और भी गाढ़ी हो जाती है। तो अब क्या करना है, आपको गर्मा गर्म कर लेना है सर्व। आप मशरूम की सब्जी नान रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, या रोटी के साथ, नॉर्मल रोटी के साथ खाइए, या पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, हमारी मशरूम की सब्जी कुछ डिफरेंट तरीके से बन के तैयार है, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। तो बस इस तरीके से आप मशरूम की सब्जी बनाइए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।